हेलो फ्रेंड, आज है 2 जून। आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आज आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया मई मंथ में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, रिकॉर्ड स्तर पर 1.733 लाख करोड़। और टोटल 2024-25 अभी तक का मई जीएसटी कलेक्शन 3.83 लाख करोड़ रुपए, यह लगभग पिछले साल की तुलना में 11.33% इंक्रीज़ हुआ है। रूस और उज्बेकिस्तान, रूस रसिया के साथ उज्बेकिस्तान, ये इम्पोर्टेंट है, संयुक्त परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, कौन, उज्बेकिस्तान और रूस संयुक्त परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत किया इन्होंने। द गोल्डन कृष्णा, यह क्या है, एक प्रदर्शनी है जिसका आयोजन किया गया कहाँ पे, दुबई में। किसने किया, कृष्णा कन्हाई। इसमें क्या है, इस प्रदर्शनी में क्या है, द गोल्डन बालाजी की मूर्ति का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो दुबई में हुआ। उसके बाद किसके द्वारा, कृष्ण कन्हाई, और किसकी, पूछ सकते हैं किस गॉड को इसमें प्रदर्शनी में सम्मिलित किया गया। ब्राइडन कॉर्स, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, आईसीसी ने इन पर 3 मंथ का बैन लगाया अभी। नेक्स्ट, दार एस सलाम पोर्ट कहाँ पे है, तंजानिया में, न्यूज़ में है क्योंकि अभी अडानी पोर्ट्स ने इसके साथ समझौता किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, दार एस सलाम पोर्ट कहाँ पर है, आपको ऑप्शन दे देगा 3-4, और ये है तंजानिया में। तंबाकू नियंत्रण, आपको पता है 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे नियुक्त किया गया, पीवी सिंधु को, क्या, ब्रांड एम्बेसडर। आईएनएस शिवालिक जहाज, यह दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात है, ठीक है। अभी ये GMAX 24 मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, साथ ही साथ RIMPAC 24 नौसेना अभ्यास है, सॉरी, इसके लिए सिंगापुर से रवाना हुआ। ये आईएनएस शिवालिक जहाज़ अक्सर देखते हैं आप लोग, कोई ना कोई जहाज मिलिट्री एक्सरसाइज में जाता रहता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के भ्रमण पे था, अभी ये सिंगापुर पहुँचा था। अब सिंगापुर से कहाँ अब जाएगा, जापान, जापान में किसके लिए, GMAX 24 और RIMPAC नेवल एक्सरसाइज। हर्ष छिब्बर कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किए, ठीक है। स्टील कटिंग समारोह या मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में आयोजन किया गया, किसके लिए, भारतीय तटरक्षक बल के पहले नई पीढ़ी के अपतटीय गश्त निर्माण के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड, आज की न्यूज़ ये थी, थैंक यू।